हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं एक आपके लिए हेडफोन है। अभी इसका जो ब्रांड है वो सब लगभग जानते ही हैं, बोट का है, यूनिवर्सल एयरफोन है। तो एक्चुअली इसका रेट क्या होता है मैं सभी चीज़ आपको बताऊंगा पूरा, आप वीडियो को लास्ट तक देख लें। और हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कि इसमें वैसे ये जो पैकेज है इसका जो बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी वगैरह भी इसकी अच्छी है। और जो मॉडल है वह 212 है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो इसका हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बाकी जो इसका ऑनलाइन परचेज है अगर आप करते हो पेटीएम से या अमेजोन से, तो ये समथिंग आपको 250, 350 और 400 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसका रेट बता देता हूँ आपको। ठीक है, और ये जो हेडफोन है बहुत ही अच्छा है और इसकी जो आवाज़ है, क्वालिटी है। और वैसे भी जैसे कि मैं बता देता हूँ, और जो हेडफोन होते हैं ज़्यादातर यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से ये हमेशा ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं कि अगर ये ज़्यादा टाइम ऐसे मुड़ा रहता है, बार बार ऐसे मुड़ता है, तो यहीं से हमेशा वो कोई भी कंपनी हो, सैमसंग हो, किसी भी का ब्रांड हो, वो सभी यहीं से ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ कहीं से ख़राब नहीं होगा, यहीं से ख़राब होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखें, अगर कोई भी आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो यहाँ से इसको कम मोड़ें, नहीं तो ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। चाहे वो कोई अच्छे से अच्छे ब्रांड हो तो भी होगा, क्योंकि एक जगह मोड़ा रहेगा बार बार, तो वो धीरे धीरे अंदर से इसके जो वायर हैं वो स्क्रैच होने लग जाते हैं। ये आपस में टच रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें मैग्नेट है, ये देखिए ये टच हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम वगैरह है बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसका जो रेट है लमसम आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन तो आपको मिलेगा ज़्यादा ही, बाकी अगर आप परचेज़ करते हैं किसी शॉप से तो मेरे हिसाब से ये आपको 100-150 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि कम ही मिलेगा मार्जिन। ऑनलाइन में तो काफ़ी मार्जिन दिखाते हैं सभी, जो इसका एक्चुअल रेट होता है वो कम होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। बाकी मैंने ये यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है इसकी वॉइस क्वालिटी और इसका जो बात करने का जो माइक क्वालिटी और इसका पिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाली। तो ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा के लिए ख़राब नहीं होगी, बाकी ये ज़रूरी है कि अगर आप एक ही बार इसको लोगे तो 4-5 महीने तक आपको दूसरा हेडफोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी आपके लिए अपडेट थी कि अगर आप लेना चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, अमेजन से करें, पेटीएम से करें, मंत्रा से करें, जहाँ से भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।